नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिपेश गौर में। मध्य प्रदेश में एक और नई योजना का शुभारंभ हो चुका है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। जिन भाई बहनों के कच्चे मकान हैं, अब उन्हें पक्के मकान की सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का शुरुआत की है, जिसकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इस योजना का शुभारंभ 17 सितंबर को हो चुका था। 17 सितंबर से इसके ऑफलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 5 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। तो अगर आपने भी इस योजना का अभी तक लाभ नहीं लिया है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इस योजना के अंतर्गत 8 ऐसे पॉइंट हैं जिसके अंतर्गत आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते, ठीक है। वो 8ों कारण मैं आपको बड़ी सरलता से समझाने वाला हूँ और आपको समझ में भी आ जाएगा, एक सरल भाषा में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑल नहीं किया तो बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। मैंने आपको इस वीडियो से पहले एक वीडियो और बनाकर बताया है, जिसमें आपको बताया है कि लाडली बहना आवास योजना के ऑफलाइन आवेदन किस प्रकार से देखना है, भरना है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको पूरी सावधानी से फॉर्म भरना है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ 8 ऐसे कारण जिससे आप लाडली बहना योजना में आप अपात्र हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से कारण हैं। आवास योजना के लाभ से वंचित परिवारों को मिलेगा पक्का मकान। 17 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर 2023 तक भरे जाएंगे आवेदन। पहले हम बात कर लेते हैं योजना में पात्रता। ये वही 8 कारण हैं जिससे आप मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना में अपात्र हो सकते हैं। तो पहला कारण है, आपको बड़ी सरलता से समझाएंगे, बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। स्वयं का पक्का मकान ना हो, ठीक है। आपके पास अगर ए 2 कमरा से अधिक का पक्का मकान है तो आप इस योजना के लिए अपात्र हैं। मान लीजिए आपके घर 2 परिवार रहते हैं, जिसमें से एक परिवार के पास समग्र आईडी अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। 2 भाई रहते हैं, एक भाई के पास अगर पक्का मकान है और दूसरे भाई के पास पक्का मकान नहीं है, कच्चा मकान है, तो दूसरा भाई इस योजना में आवेदन कर सकता है, ठीक है। कच्चा मकान भी हो, 2 से अधिक कमरे वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। कच्चा मकान है आपके पास, 2 कमरे से अधिक वाला नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। उसके बाद 4 पहिए वाहन मालिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब 4 पहिए मतलब उसके घर पर जीप नहीं होना चाहिए। अगर जीप है पर उसके नाम से रजिस्टर्ड नहीं है तो अभी आप इस योजना में आवेदन कर सकते, ठीक है। उसके नाम से जीप रजिस्टर्ड होना नहीं चाहिए जो आवेदन कर रहा है उस परिवार में। अगर उसके पास जीप है और उसके नाम से रजिस्टर्ड नहीं है तो भी वो आवेदन कर सकता है। परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए। किसी भी शासकीय सेवा में अगर उस परिवार का सदस्य है तो भी आप इस योजना के अंतर्गत अपात्र माने जाएंगे। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई शासकीय सेवा में है, संविदा में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर शासकीय है तो आवेदन आपको नहीं करना है। अगर आप कर भी देते हैं तो आप अपात्र घोषित रह जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मासिक आय 12,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब महीने की आय 12,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक महीने की जो आपकी आय रहेगी, जो इनकम रहेगी, वो 12,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए, ठीक है। परिवार का कोई भी सदस्य वो शासकीय सेवा में हो चाहे ना हो, वो आयकर दाता नहीं होना चाहिए। मतलब कि आयकर दाता अगर है तो आप इस योजना के लिए अपात्र हैं, और अगर आयकर दाता नहीं है तो आप इसमें जरूर आवेदन करिएगा। उसके बाद भूमि की बात कर लेते हैं कि 2.5 एकड़ यानी 1.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि नहीं होना चाहिए। मतलब 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़, ठीक है। 2.5 एकड़ आपके पास भूमि तो है पर सिंचित नहीं है तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते, और 2.5 एकड़ है फिर भी सिंचित है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके पास 2.5 एकड़ जमीन है, आपके पास ट्यूबवेल है, पर ऋण पुस्तिका में ऑनलाइन शो नहीं हो रहा है कि आपके पास, अगर ऑनलाइन शो हो रहा है कि आपकी भूमि सिंचित नहीं है, तो आप इसमें आवेदन जरूर से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट सबसे जो 8वां पॉइंट रहेगा वो 5 एकड़ से अधिक असिंचित कृषि भूमि भी आपके पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2.5 एकड़ भूमि तो है, मतलब 1 हेक्टेयर आपके पास जमीन तो है पर वो सिंचित नहीं है तो आप आवेदन कर सकते हैं, और 5 एकड़ से अधिक आपके पास सिंचित भूमि है या असिंचित भूमि है, ठीक है। 5 एकड़ से अधिक आपके पास असिंचित भूमि है मतलब सूखत है, तो आप उसमें
आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। 5 एकड़ से अधिक असिंचित कृषि भूमि ना हो, मतलब 5 एकड़ से अगर अधिक है तो आप इस योजना के लिए अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि योजना का लाभ आपको कैसे मिलेगा, योजना का किसे मिलेगा योजना का लाभ, वो बात कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में निरस्त हुए आवेदन, प्रधानमंत्री आवास योजना जो चली थी उसमें आपने आवेदन करे हैं, ठीक है, आपका नाम आया है और फिर बाद में आपका आवेदन यदि निरस्त हो चुका है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। किसमें? मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना में। और आपका आवेदन निरस्त नहीं हुआ है, आपने आवास बनवा ली है, मतलब आपका पक्का मकान आपको मिल चुका है, तो आप इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार के MIS पोर्टल पर पंजीकरण में छूटे परिवार, मतलब जो भारत सरकार के आवास योजना के अंतर्गत जो पंजीयन चल रहे थे पोर्टल पर, अगर उसमें आपने अभी तक अपने परिवार का पंजीयन नहीं करवाया है तो भी आप इसमें पात्रता रख सकते हैं, उसमें पंजीयन करने में छूट गए हैं। 2011 की जनगणना और आवास प्लस की सूची में छूटना, मतलब जो 2000 हर 10 साल में जो जनगणना होती है, पिछले 2011 से अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई, 2011 की जनगणना में अगर आपका नाम है और आवास प्लस की छूटी में छूटे परिवार, ठीक है, और आवास प्लस जो मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना की जो प्लस लिस्ट है उसमें आपका नाम छूट गया है, आपका परिवार का नाम छूट गया है, तो भी आप इस योजना के लिए पात्रता रखते हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकार की आवास योजना के लाभ से बंधी, मतलब ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ जो केंद्र सरकार की आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके बाद जो मुख्यमंत्री आवास योजना है, अगर दोनों आवास योजना से आपने अभी तक लाभ नहीं लिया है तो ही आप मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत लाभ ले सकते हैं, वरना आप इसमें अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों कुछ ऐसी जानकारी है जो हम आपको बताने की कोशिश की है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ऐसी नई अपडेट आपके साथ लाते रहेंगे। वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, मुझे समझाने में गलती हो गई हो तो मुझे माफ करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।